So hello guys, how are you all? Welcome to my video. Or I am fifth grade. So uh, today we are going to learn new Aster Advanced fifth class book. So let's start. So, so first of all, we will learn uh, the chapter 4th, The Tree Lover. So let's start. Hmm. so here uh, there is a story about uh, the grandfather and his uh, term, and his grandson so let's start reading in the extract the narrator talks about his grandfather's special relationship with trees and how he takes care of them with love and patience I mean, In is story लर्न uh, करने वाले हैं उसके ग्रैंड फादर ट्रीज से कितना प्यार करते थे तो आइए हम स्टोरी को बढ़ाते हैं आई वॉज नेवर एबल टू गेट ओवर द फीलिंग दैट प्लांट्स एंड ट्रीज लव ग्रैंड फादर विद एज मच टेंडरनेस ही लवड दैम आई वॉज सिटिंग बिसाइड हिम ऑन द विंडा स्टेप्स वन मॉर्निंग When I noticed the tendril of a creeping vine that was trailing near by my feet. Matlab, yeh batana ki kabhi bhi believe kar paya tha. I was not never I was never able to believe over, over the feeling that plants and trees loved grandfather as much tender, and as much tenderness as he loved them. मतलब मैं सोच भी नहीं पाया था कि जितना प्यार ग्रैंडफादर करते थे उतना मतलब जितना प्यार ग्रैंडफादर ट्रीज़ को करते थे उतना ही प्यार उतना ही प्यार ट्रीज़ ग्रैंडफादर को करते थे आई वॉज सिटिंग डिसाइड हिम ऑन द वेंडा स्टेप्स वन मॉर्निंग मतलब वो जो लड़का था ये जो आपको लड़का दिख रहा है ग्रैंडसन वो वरिंडा स्टेप्स में बैठा था अके मतलब आई मीन उसके ग्रैंडफादर के साथ वेन आई नोटिस द टेंड्रिल ऑफ अ क्रीपिंग वाइन वॉज वाइन दैट वॉज ट्रेलिंग नियर बाय माई फीट मतलब मैंने नोटिस किया कि एक एक टेंड्रेंड्र मतलब यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे टेंड्र का मीनिंग दिया गया है एंड टेंड्रल इज इज़ीएस्ट वर्ड देखें अ थिन थ्रेड लाइक पार्ट ऑफ अ क्लाइंबिंग प्लाट प्लांट दैट स्क्रैच आउट द अराउंड एनी सुटेबल सपोर्ट तो इसका तो मीनिंग हमें मिल गया तो अभी आगे पढ़ता है ऑफ़ अपिंग वाइन दैट वॉज ट्रेलिंग नियर माई फीट मतलब ये लड़का जो बैठा था यहाँ पे ये आपको ये जो लड़का बैठा दिख रहा है उसके जो सामने क्रिपिंग वाइन दिख रहा होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये देखिए ये क्रिपिंग वाइन यहाँ पे आपको दिख रहा है ये देखिए ये क्रिपिंग वाइन है और ये लड़का नीचे देख रहा है तो उसने नोटिस किया है कि क्रिपिंग वाइन यहाँ पे आई uh, मीन I mean, यहाँ पे uh, था और uh, वो धीहल um, से हिल रहा था इट वॉज ट्रेलिंग नियर माई फीट मतलब ये गुजर रहा था मेरी फीट से एज वी सैट देर इन सॉफ्ट सनशाइन स्लोली अवे फ्रॉम मी एंड टू वर्स ग्रैंड फादर हम एक सॉफ्ट सनशाइन में बैठे थे um, और तुरंत और अचानक ही वो जो क्रिपिंग वाइन था टेंड्रिल वो और भरने लगा आई मीन बढ़ने लगा आई सॉ दैट दैट द the tendril मूविंग वेरी स्लोली अवे फ्रॉम मी एंड and towards grandfather. Twenty मिनट्स लेटर इट हैड crossed. द विंडा स्टेप एंड वॉज़ टचिंग ग्रैंडफादर्स फीट मतलब ट्वेंटी मिनट्स के बाद uh, वो uh, uh, थोड़ा आगे बढ़ा और फिर वरिंडा uh, स्टेप्स से आगे पहुँच कर क्रॉस करके वरिडा स्टेप्स को फिर वो ग्रैंडफादर की इस फीट को टच करने लगा ग्रैंडफादर फादर की फीट को तो आगे बढ़ते There is probably a scientific explanation for the plant's behaviour. Something to do with light and warmth. But like but I like to think that it moved that away simply because it was found of grandfather. Um, um scientific explanation to uh, behaviour plants, के के behavior. वो बच्चा उसको पद वो कुछ भी बोलता रहा बोल रहा था वैसे ऐसा कुछ होता तो नहीं है गाइस ही वॉज थिंकिंग वॉज थिंकिंग दैट ही वॉज नॉट रियली श्योर अबाउट इट आगे पढ़ते हैं वन लेफ्ट लाइक ड्रॉइंग क्लोज टू हिम एक तो उसके आगे भी चला गया ड्राॅइंग करते 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 आगे पढ़ते हैं Sometimes when i sat alone beneath a tree i would feel a little lonely or lost but as soon as grandfather joined me the garden would become happy a happy place the tree itself friendlier matlab main ek main wahi the steps mein akela baitha और जब ग्रैंडफादर आए तब मैं भी खुश हो गया और ग्रैंडफादर भी मतलब मेरे साथ वो ट्रीज़ भी खुश हो गई ग्रैंड फादर को देख कर सो नेक्स्ट ग्रैंड फादर वॉज अबाउट सिक्सटी अ लीन एक्टिव मैन हुस्टल रोड हिज बाई साइकल एट ग्रेट स्पीड मतलब जो ग्रैंडफादर थे यहाँ पे दिख रहे हैं आपको जो ग्रैंडफादर है वो अपनी बाईसाइकिल को अभी भी एक ग्रेट स्पीड में चला सकते हैं नेक्स्ट देन वे वर वेयर he had stopped climbing trees a year previously when he had got to the top of the jackfruit tree and had been unable to come down again we had fetched a ladder for him Matlab, jab grandfather um, thode bade ho gaithe, और थोड़े बूढ़े भी हो गए थे तभी उनको वो अब तभी उनको उनका ट्री में चढ़ना बंद हो गया था वो फिर भी चढ़ते थे ट्री में और वो उतर नहीं पाए थे इसलिए उनके लिए एक लेडर फेच किया गया नेक्स्ट पेज हाँ नेक्स्ट पेज ग्रैंड फादर बाथ क्विट ऑफ बट गॉड बैक इन टू हिज गार्डनिंग क्लोथ्स इमीडियटली आफ्टर द बाथ मतलब ग्रैंड फादर जो थे वो नाहकर चुपचाप जल्दी से अपने गार्डनिंग क्लोथ्स पहन कर वो जल्दी से आफ्टर बाथ गए अपने गार्डनिंग अपना गार्डनिंग करने आफ्टर ड्यूरिंग मील्स लेडी बर्ड्स एंड कैटापिलर्स वुड समाइम्स वॉक ऑफ हिज शर्ट स्लीवस एंड वंडर खाने के टाइम लेडी बर्ड्स कैटरपलर्स और um, कुछ और और इंसेक्ट्स उनके शर्ट स्लीवस में ऐसे घुस जाते थे और फिर अबाउट ऑन द टेबल क्लॉथ और टेबल क्लॉथ में मतलब जो उनका डाइनिंग टेबल होगा और उसमें चढ़ जाते थे एंड दिस ऑलवेज एनॉइड ग्रैंड मदर और ये ग्रैंड मदर को हमेशा परेशान करता था ग्रैंड फादर वॉज कंटेंट विथ प्लांटिंग ट्रीज इन और गार्डन मतलब ग्रैंड फादर को कोई तकलीफ नहीं थी प्लांट ट्रीज प्लांट करने में गार्डन में ड्यूरिंग द rains वी वी वुड वॉक into the द जंगल the ऑन द रि बेड आर्म्ड विथ कटिंग्स एंड सेपलिंग्स एंड दीज वी वुड प्लांट इन द फॉरेस्ट मतलब ड्यूरिंग uh, द हम बारिश के टाइम में uh, चलते चलते जंगल में रिवर बेड आर्म्ड रिवर बेड को क्रॉस करते थे armed एंड कटिंग ट्रीज हम ट्रीज़ को कट करते थे और uh, सेपलिंग्स um, और सब कुछ उगाते थे फॉरेस्ट में बिसाइड द टोल साल एंड शीशम ट्रीज बिसाइड मतलब टॉल एंड शीशम ट्रीज के साइड uh, um, में ही वो करते थे आगे पढ़ते हैं बट नो वन एवर कम्स हियर मतलब कोई वहाँ पे नहीं आता था पर सांसे तो सबको चाहिए रही थी पर कोई उनके लिए नहीं उनकी हेल्प नहीं करता था आई प्रोटेस्टेड द फर्स्ट टाइम वी डिड दिस हमने पहली बार इस बच्चे ने पहली बार सब कुछ उगाना सीखा था आगे पढ़ते हैं हु इज़ गोइंग टू सी देम कौन उन्हें देखने वाला है इस बच ये बच्चा कह रहा था इन ट्रीज को कौन देखने आएगा हम बेवजह का उगा क्यों रहे मतलब रेन में भी हम उगाने क्यों जा रहे हैं वी आर नॉट प्लांटिंग फॉर पीपल ओनली सेड ग्रैंड फादर ग्रैंड फादर ने कहा यहाँ पे ग्रैंड फादर रहे हैं उन्होंने कहा हम सिर्फ इंसानों के लिए नहीं पेड़ पौधे उगा रहे हैं वी आर प्लांटिंग फॉर द फॉरेस्ट एंड फॉर द बर्ड्स एंड एनिमल्स हु लिव हियर एंड नीड मोर फूड एंड शेल्टर हम उनके लिए भी उगा रहे हैं जिनको बर्ड्स जैसे कि बर्ड्स एनिमल्स और जो भी यहाँ पे रहते हों उनके काम में उनके खाने के लिए काम आ सके ही told me how men and not only birds and animals needed trees for keeping the desert away। उस um, दादाजी ने मुझे बस इसका मीनिंग ही समझाया था कि ट्रीज़ को सिर्फ बर्ड्स एंड एनिमल्स ही यूज़ कर सकते हैं हालांकि डेजर्ट में भी वो काम आते हैं For preventing the banks of rivers from being washed away and be, and for wild, wild, wild plants and grasses to grow beneath. And for timber, I asked, pointing to the sal and shisham trees. Next page. yes and for timber but men are cutting down the trees without replacing them for every tree that's felled we must plant two otherwise one day there will be no forests at all and the world will become a one great desert one day the trees will move again, said grandfather. They've been standing since still for thousands of years, but one day they'll move again. There was a time when trees could walk about like people, but along came a devil and cast a spell over them rooting routing them to one place but they are always trying to move see how they reach out with their arms and some of them like the banyan tree with its with its traveling roots manage to get quite far back in dehra we found an island <laughs> ek baat कुछ लोग आईलैंड को आई भी कहते हैं पर ये रॉन्ग है हमें आईलैंड को इस लैंड करके प्रोनाउंस नहीं करना है क्योंकि इधर एस साइलेंट होता है पैक इन देहरा वी फाउंड एन आईलैंड अ स्मॉल रॉकी आईलैंड इन द मिडल ऑफ अ रिवर ड्राई रिवर बेड It was one of those riverbeds so common in the Dul Dune Valley, which are completely dried in summer but flooded during the monsoon rains. A small mango tree was growing in the middle of the island and grandfather said, I uh, if a mango can grow here, so can other trees. As soon as the rain set in and while the riverbed could still be crossed, we set out with a number of determined labour mum and coral tree, saplings and cuttings, and spent the day planting them on the island you can see the island when the monsoon set in the trees appeared to be flourishing the monsoon season was the time of rambling about at every turn there was something new to see. out of earth and rocky leafless bow. The magic touch of the monsoon rains had brought life and greenness. You could almost see the broad-leaved vines grow. Plants sprang up, the, up in the most unlikely places. Then you came to a pond where some buffaloes are enjoying themselves. With no part of them visible but the tips of their noses, while on their backs were a number of merry children, perfectly and happily naked.